अगर आप भी चाहते हैं AM फिल्म प्रोडक्शन का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले। कुंभ पर्व जिसका उद्देश्य है संगम क्षेत्र में जाकर गंगा और यमुना के जल में डुबकी लगाना, इसका श्रेय कहीं ना कहीं अमरता से जुड़ा हुआ है। अमरता क्या है? हम मृत्यु को जीत ले, अर्थात हमेशा जवान बने रहे, जिसके लिए शरीर की बीमारियों को नष्ट होना आवश्यक है। तो क्या गंगा और यमुना के जल में डुबकी लगाने से यह लक्ष्य पूर्ण होता है? उससे पहले कुंभ स्नान के पीछे छुपे हुए पौराणिक मान्यताओं को जान लेना आवश्यक है। जैसे कि आप जानते हैं कि पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के उत्पन्न अमृत कलश की कुछ बूंदे संगम क्षेत्र में गिरी थी। अमृत अर्थात एक ऐसा तत्व जो सृष्टि के उत्पन्न से लेकर विध्वंस तक अविनाशी है। इसकी कुछ बूंदे पीने मात्र से आप काल के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन पुराणों में जिस अमृत के बारे में बताया गया है, यह वैज्ञानिक रूप से दिए गए अमरता के सिद्धांत से कहीं आगे है। प्राचीन काल से ही मनुष्य, विशेष रूप से हम भारतवासी, उस सिद्धांत को विकसित करने में जुटे हुए हैं जिसके द्वारा हम स्वयं को अमर बना सके। अमरता का सिद्धांत विकसित करने वाला भारत सबसे प्राचीन और पहला राष्ट्र है। तो अब हम चलते हैं महाकुंभ के बारे में कुछ पौराणिक कथाओं को जान ले। कुंभ का पर्व चार हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे कि पहला कुंभ हरिद्वार में होता है, तो उसका ठीक 3 साल बाद कुंभ प्रयाग में, फिर तीसरा कुंभ 3 साल बाद उज्जैन में, और फिर चौथा कुंभ 3 साल बाद नासिक में होता है। ठीक उसी तरह जब 4 कुंभ को मिलाकर 12 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, तब महाकुंभ यानी पूर्ण कुंभ मनाया जाता है, जो कि 12 वर्षों में एक बार होता है। इसके अलावा हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी मनाया जाता है। पर क्या आपको पता है कि आखिरी महाकुंभ पर्व का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में ही किया जाता है? आखिर क्यों इतनी भारी मात्रा में नागा साधु, सन्यासी और श्रद्धालु इस कुंभ के पावन पर्व और पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं? आखिर क्या लिखा है पुराणों में कुंभ पर्व के बारे में? इन सारी बातों पर आज हम आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कुंभ मेला एक ऐसा पर्व है, यानी कि एक ऐसा त्योहार है, जिसे कोई अगर अपनी आंखों से ना देख ले तो वह समझ नहीं सकता इसका महत्व का, इसके उल्लास का। कहते हैं कि आज की लोगों के लिए कुंभ मेला वह है जहां जाकर वह पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं और पापों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं कि भगवान उन्हें मोक्ष प्रदान करे। पर कुंभ का महत्व सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं कुंभ पर्व के इतिहास के बारे में। आखिर कुंभ पर्व की शुरुआत क्यों हुई और हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में ही यह क्यों मनाया जाता है? यह कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर पड़ गए, तो राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें राक्षसों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता राक्षसों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ से निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार
दैत्यों ने अमृत को वापस लाने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ लिया। उसके बाद अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए दानवों और देवताओं में 12 दिन तक नियंत्रण युद्ध होता रहा। इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर कलश से अमृत बूंद गिरी थी, जिनमें से पहली बूंद प्रयाग में गिरी तो दूसरी शिव की नगरी हरिद्वार में, इसके बाद तीसरी बूंद उज्जैन में तो चौथी बूंद नासिक में जाकर गिरी। यही कारण है कि कुंभ के मेले को इन्हीं स्थानों पर मनाया जाता है। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं, अतः कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब ज्योतिष के अनुसार जानते हैं कि आखिर कुंभ पर्व का आयोजन की तिथि और जगह कैसे निर्धारित की जाती है। कहते हैं कि कुंभ मेले में सूर्य एवं बृहस्पति का खास योगदान माना जाता है। सूर्य देव एवं गुरु बृहस्पति जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तभी कुंभ मेले को मनाने का स्थान एवं तिथि का चुनाव किया जाता है। इसी के अनुसार जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में आता है, तब यह मेला हरिद्वार में मनाया जाता है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में होता है, तो यह उत्सव प्रयाग में मनाया जाता है। जब बृहस्पति और सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश होता है, तो यह महान कुंभ महाराष्ट्र नासिक में मनाया जाता है। इसके अलावा यदि बृहस्पति सूर्य एवं चंद्रमा तीनों कर्क राशि में प्रवेश करते हैं और साथ ही अमावस्या का दिन हो, तब भी कुंभ नासिक में मनाया जाता है। अतः कुंभ मेला उज्जैन में तब मनाया जाता है जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करे और सूर्यदेव मेष राशि में प्रवेश कर रहे हों। सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश होने के कारण मध्य प्रदेश के उज्जैन में मनाए जाने वाला कुंभ सिंहस्थ कुंभ कहलाता है। पिछला सिंहस्थ कुंभ अप्रैल 2016 में आयोजित किया गया था। यह पर्व 12 वर्ष पश्चात उज्जैन की भूमि पर मनाया गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृत कलश से जो 4 बूंदे धरती पर गिरी थी, वह नदी के रूप ने ले लिया। यह 4 पवित्र नदियां हैं, हरिद्वार में गंगा, नासिक में गोदावरी, इलाहाबाद में संगम यानी गंगा जमुना और सरस्वती, और उज्जैन में शिप्रा नदी। शिप्रा नदी की भी अपनी महिमा एवं एक अलग महत्व है। गंगा यमुना एवं सरस्वती जैसी महान नदियों की तरह शिप्रा नदी भी महान है। शिप्रा नदी को पहाड़ों से बहने वाली नदी कहा जाता है, लेकिन मान्यता के अनुसार यह नदी धरती के कोख से जन्मी थी। भारत की सभी पवित्र नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन शिप्रा नदी एक ऐसी नदी है जो उत्तरगामी है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदी। यह नदी आगे जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। कुड़मा पुराण के अनुसार इस उत्सव में स्नान करने से सभी पापों का विनाश होता है और मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। यहां स्नान से देवलोक भी प्राप्त होता है। भविष्य पुराण के अनुसार कुंभ मेले में स्नान से पुण्य एवं स्वस्वरूप स्वर्ग मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन काल में कभी भी समय मिले तो एक बार कुंभ स्नान जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं दीपक दीवाना आपसे लेता हूं विदा और फिर मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। अगर यह वीडियो हमारा पसंद आए
तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, इसी तरह के अपने मनपसंद के ढेर सारे रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।